बहुत बड़ा मुकाबला है, और जब जब जैसे मैंने प्री शो में कहा कि मामला गंभीर होता है तो अस्पताल में एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो सुपर स्पेशलिस्ट कोच भारत के भी और प्रो कबड्डी के भी श्रीनिवास रेड्डी, स्वागत आपका। पदम जी सरावत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। थैंक यू सुनील, थैंक यू पदम। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आज देखने वाला है हम ये, क्योंकि बेंगलुरु बुल्स और हरियाणा के स्टीलर्स के बीच में। जी हाँ, और यहाँ पर लेफ्ट लीडर ओ प्रयास किया हैंड टच का, मगर बहुत ही चुस्त और मुस्तैद वहाँ पर सौरभ नांदल बोनस का फिर दूसरा अटेम्प्ट वहाँ पर करते हुए, और जो आपके पास इस समय रिसोर्सेज हैं उसका बढ़िया इस्तेमाल करना जानते हैं विकास कंडोला। जंग और इश्क में सब जायज है, और जैसे वो दूसरी तरफ गए सुरेंद्र नारा का दूसरा प्रहार, आपने मुझे बाहर कैसे बिठाया। बिल्कुल एक कैलकुलेटेड रिस्क था पवन शरावत द्वारा, क्योंकि एक ही जगह में ज्यादा देर तक खेलने के वजह सुरेंद्र नारा ने बहुत ही बखूबी से बैक होल्ड किया है। ऑल आउट चांस यहां पर, बोनस दे दिया गया है और वो कह रहे हैं हमें टच पॉइंट चाहिए, और नहीं भी मिलेगा तो भी कोई नहीं, आप जाएंगे हम आपको अंत में जाकर रेड करके वो पॉइंट वहां पर ले लेंगे। यहां पर बड़े ही सूझबूझ के साथ डिफेंस को अपना काम करना होगा। मयूर ने कहा, ओ मयूर खुद उधर चले गए, जिस चीज का आपको डर था श्रीनी वही हुआ। डेफिनेटली अनवांटेड टैकल था इस टाइम पे, ये टैकल करना बहुत ही जरूरी नहीं था। संयम खो बैठा है रेड कॉर डिफेंडर, मल्टीपल पॉइंट्स टू हरियाणा स्टीलर्स राइडर। सुपर रेड जब नहीं होनी चाहिए थी तभी हुई है, और हरियाणा के लिए जब चाहिए थी उसी समय दोनों कवर गए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी दूसरे हाफ में 20 मिनट और बाकी हैं। उन्होंने कहा अब लेट हो गए, मैं लॉबी का इस्तेमाल करूंगा। ये खिलाड़ी दोनों तरफ से पॉइंट दे रहा है आज आपको, और हरियाणा का डिफेंस दोनों तरफ से पॉइंट लीक कर रहा है। रेडर पॉइंट ला नहीं रहे, डू और डाई रेड में, अननेसेसरी टैकल में जयदीप आए, इनका कतई दिन नहीं है। एक पॉइंट लिया है, तीन बार आउट हुए हैं। फिलहाल तो ये देखिए सुपर टैकल, आउटस्टैंडिंग टैकल पवन शरावत द्वारा। राइट कॉर्नर पोजीशन यूजुअली वो पहले खेलते थे, अभी भी खेलता है, बट टाइमली टैकल है। रेडर का जोश, डिफेंस की खामोशी, और वीवो टॉप थ्री रेडर्स पर नजर डाल लीजिए, पवन शरावत भरत और आशीष, और यहां पर घड़ी टिक टिक कर रही है। एक पॉइंट की जरूरत है पवन शरावत को। डू ऑर डाई रेड, हाई फ्लायर, क्या बात, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा कामयाबा, इसलिए कोच इनको फैसला नहीं भेज रहे थे। युद्ध हो या कबड्डी हो, दुश्मन अगर हार रहा है तो उसे कुचल दीजिए, मसल दीजिए। मैच ओवर। दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था,